मेरे पास शब्द नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये है जोगिंदर चिकन एंड फिश सेंटर। मुझे ना दूसरा वाला रोलिंग पिन लाना है, जो वो पतला नहीं होता, इससे ना बहुत मोटा है। और एक वो जो बेकरी में होते हैं, वो अपने आप ऐसे रोल होते हैं, रोल हो जाता है, अच्छे होते हैं। बस ये मेरा पराठा तैयार है। अब मैं गैस जला लेती हूँ। मेरे पराठे घी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अमूल बटर के पराठे बना रही हूँ। मेरे मुंह से इतने सारे वर्ड्स गलत निकलते हैं ना, जल्दी जल्दी में सब उल्टा पुल्टा। जैसे मैंने पापड़ बोला था, मुंह से निकल गया पेपर, नहीं पेपर, पेपर कुछ ऐसा। अभी अमूल बटर की जगह कुछ और निकल रहा था। आप देख सकते हैं ये वीडियो में फिर भी बड़ी लग रही है, ऐसे देखेंगे तो छोटी है, बिल्कुल छोटी मेरी साइज की। जो मैं ये दो खाती हूँ या एक और आधा खाती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है, जो कि बिल्कुल छूट है, ऐसे मैं चार खा जाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं बना रही हूँ तुलसी वाली चाय, फ्रेश तुलसी ली है मैंने। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं दोबारा से गाड़ी में बैठ गई हूँ और आज दिन भर का व्लॉग कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमने पूरे दिन भर शूट किया। जैसे मेरा जो आज का मेन्यू था वो था पाव भाजी, उसमें बहुत टाइम लग गया और हमने इतना शूट किया दिन भर, हम थक गए थे। फिर लंच किया और मैं सो गई, अब मैं उठ गई हूँ, अब शाम हो चुकी है, गाड़ी में बैठ चुके हैं, पाव भाजी ज़्यादा बन गई है और मैं अपनी फ्रेंड के घर थोड़े पाव भाजी देने जा रही हूँ, तो अब हम निकल पड़े हैं। हम दोबारा से एक लंबी जाम में फंसे हैं अभी तक, अब पता नहीं हम कब पहुँचेंगे। देखो वहाँ से चांद भी दिख रहा है, इतना साफ नहीं है, और अभी बहुत ही लंबी लाइन है, एक दो लाइट के बाद हमारी बारी आने वाली है। उस तरफ की ट्रैफिक खुली। हम अभी अपनी फ्रेंड के घर से फ्री हुए हैं और उसने इतने सारे हमें फ्रेश एप्पल्स दिए हैं, उसके घर से आए हुए थे, और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं उन एप्पल से एप्पल पाई बनाऊँगी, जो मेरी एक नेक्स्ट रेसिपी होगी। और बस अभी वहाँ घर से हम लोग निकले हैं, अब थोड़ा मार्केट में सामान लेंगे और घर जाएंगे। गाइस अभी हम आ गए हैं चिकन एंड फिश सेंटर, जोगिंदर जी का कोई बहुत फेमस है, मैं ऊपर बोर्ड देख रही हूँ, ये भी हमने यूट्यूब में देखा था, और यहाँ पे उसी को ट्राई करने के लिए आए हैं। यहाँ सब नॉन वेज मिलता है, सब टाइप की फ़िश हैं यहाँ पे। जैसे मैंने अभी ऑर्डर कर रही हूँ, फ़िश फ्राई सी है, फ़िश फ्राई रिवर है, फ़िश क्रंची है, ऐसे चिकन में है, ऑल नॉन वेजिटेरियन, कोई वेजिटेरियन नहीं है। तो मैं यहाँ फ़िश ट्राई करने आई हूँ और मैं ट्राई करूँगी फ़िश फ्राई सी, तो देखते हैं कैसा आता है। अब आप ये देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये है जोगिंदर चिकन एंड फ़िश सेंटर जहाँ से, और ये शर्मा जी हैं जो बहुत फेमस है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये किसी का यूट्यूब चैनल देख के यहाँ पे ट्राई करने आई हूँ, स्पेशली फ़िश। चिकन तो हम खाते रहते हैं बट फ़िश मैंने ट्राई करनी थी, तो मैंने फ़िश का ऑर्डर दिया है और मैं देसी सिंघाड़ा फ़िश मंगाया है फ्राइड। सब जगह ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सब इसी शर्मा जी के पास खाने के लिए आई हैं, और अब हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं तो आता है। ये हमारी फ़िश आ चुकी है, प्लीज़ एक बारी मैं फ़िश दिखाती हूँ। ये तंदूरी फ़िश है और इतनी स्वाद है, इन्होंने नींबू दिए साथ में मिंट चटनी एंड प्याज। फ़िश इतनी टेंडर है और इतना अच्छा इसमें देखो स्मोकी फ्लेवर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, ये मैं रोज खा सकती हूँ रोज। इनके पास इतनी वैरायटीज है बाकी फिश की कि मुझे वो आके रोज तो नहीं पर मैं सारी ट्राई करूंगी। सो अब मैं बैठ के आराम से फिश खाती हूँ, फिर मिलती हूँ खाने के बाद।
हम शर्मा जी के फिश खा के आ गए हैं जो कि बहुत ही स्वाद थे। दोबारा जाऊंगी एक बारी और बाकी के मेन्यू उनका ट्राई करने के लिए। और अभी फिर लेट हो चुका है, अभी हम काम पे बैठेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।